हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की तारीख पहले से तय थी और हमारा प्रयास रहता है कि शीतकालीन सत्र बुलाया जाए और राहुल गांधी को कुछ दिन और घूम लेना चाहिए। तो साथ ही कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस को भी जोड़ना चाहिए। देखो, मेयर को कल एक साथी पत्रकार ने पूछा था कि भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आ गई, मुझे तो यह भी नहीं पता यात्रा पहुंची कहां है। अब वो हरियाणा में किस डेट को घुसेगी तो कांग्रेस का इंटरनल डिसीजन है, और वो साथी हाउस में आएंगे या राहुल जी के साथ पैदल चलेंगे वो उनका इंटरनल डिसीजन है। हमारा तो क्योंकि 21 दिन का नोटिस देना है, आज 1 तारीख है, तो 1 के बाद 21 दिन कौन सी तारीख होती है, 22 होती है, तो हमने 22 को चुना। इसके अंदर कोई ये सोच के, और कैबिनेट की डेट तो कोई आज की तय नहीं थी, आज से 20-22 दिन पहले तय कर दी गई थी, तो ये तो नेचुरली चुनाव दिन है। और हमारा प्रयास रहता है गुड गवर्नेंस डे के आसपास विंटर सेशन बुलाया जाए। अब इसके ऊपर तो कांग्रेस के साथ ही विचार करे कि राहुल गांधी को 4 दिन यूपी और घुमा ले। वे सब हुड्डा साहब को भारत जोड़ो के साथ साथ कांग्रेस जोड़ो की ओर भी सोचना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी की यह हालत होगी कि इनके नेता फील्ड में तो जा नहीं पा रहे और आपसी एक दूसरे पे आरोप लगाकर कांग्रेस को दिन प्रतिदिन खत्म करें। आपने खुद देखा कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने कैसे पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए शब्द यूज करे, गद्दार। आपके सामने 8 तारीख को हिमाचल का रिजल्ट आए और नतीजा देख लेना हिमाचल में कांग्रेस का क्या है। आपने आदमपुर में देखा कि इस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक भी हुड्डा फैक्ट को छोड़ के कोई आदमी नहीं आया प्रचार। ये चीज साबित है, उनका तो संगठनिक ढांचा ही आज खड़ा नहीं हो पा रहा, और वो ऐसे दो दलों के लिए बात करते हैं जिनका सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत है और दिन ब दिन बढ़ रहा है। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, और उस चीज को कहीं ना कहीं ऐसी बातें जो राजनीतिक तौर पर आमतौर पर हम करते हैं कि उनका सुपड़ा साफ हो गया। मुझे लगता है कि 2024 के अंदर कांग्रेस का देश में से सुपड़ा साफ, देश की जनता। 250 तो पीछे बढ़ाई थी, आगे और बढ़ाई। 250 का लास्ट वाली जो बात है, आगे बढ़ाएंगे, बस मैं ये कह सकता हूँ, और इसके लिए जब मुझे संघर्ष करना पड़े तो करूँगा। 5,000 म्यूचुअल, मैं एक चीज कह सकता हूँ, दोनों पार्टी की म्यूचुअली सहमति बनी थी कि बढ़ाया जाएगा। अब हमारा घोषणा पत्र उसको 5,000 कहता था, 5,100 कहता था, और भारतीय जनता पार्टी का 3,100, उसके बीच में जहां भी आएगी। अब मैं आज 50 MLA का तो लेजिस्लेटिव प्रतिनिधि नहीं कर रहा, 10 MLA के बावजूद भी हमने बहुत से ऐसे हमारे घोषणा पत्र के एजेंडा थे जिनको संपूर्ण पूरा किया।